ଜନାଦେଶର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କହିଲେ ତିନିଟି ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେତିକି ଆସନ ଜିତିଛି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସେତିକି ସିଟ୍ ପାଇଛି। ସତ୍ତା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ, ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ 2024 ଜନାଦେଶର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ମୋଦି। କହିଥିଲେ ଗତ ତିନିଟି ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେତିକି ସିଟ୍ ଜିତିଛି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସେତିକି ଆସନ ଦଖଲ କରିଛି ବିଜେପି। 2014 କଂଗ୍ରେସ ପାଇଥିଲା 44 ଆସନ, 2019 କଂଗ୍ରେସ ଦଖଲ କରିଥିଲା ମାତ୍ର 52 ଆସନ, 2024 99 ଆସନ। ଦେଶରେ ସତ୍ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ପରିକଳ୍ପନା, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के तीन चुनाव जोड़ूं, तो इन तीन चुनाव में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। कि एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है, ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से, नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड, वैसा ये समूह है। और 30 साल का लंबा कालखंड शुरू में शायद असेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। नवनिर्वाचित सांसद और सहयोगी दल सांसद मान उद्बोधन दे मोदी कहते विकसित भारत स्वप्न साकार हेब, आगामी 10 वर्ष गुड गवर्नेंस और विकास रोडमैप प्रस्तुत होम बंची ना मरी जा प्रश्न उठाई विरोधी को तात्सल्य करते मोदी। 2024 निर्वाचन में एनडीए रो महाविजय होई एवं देशवासी को मजबूत गठबंधन रो सरकार दिया बोली दृढ़ोक्ति प्रकाश करते मोदी। 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं, हर पैरामीटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। और आपने देखा दो दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे काल्पनिक फरेब ये करने पड़ रहे हैं। और साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। बीजेपी सरकार जो 10 वर्ष काम करछि ता ट्रेलर थला नुआ भारत, विकसित भारत एवं आस्पिरेशनल इंडिया रो चिंताधारा नै काम करिवो एनडीए सरकार। एथिपै रोड मैप थिबा कहितले मोदी। 25 कोटी गरीबों को गरीबी सीमा रेखारु बाहर को आनिबार काम करछि मोदी सरकार। 4 कोटी लोकों को आवास दिया जाइछि। आग को एही सरकार आउ 3 कोटी लोकों को घर देबा पई एनडीए संकल्पबद्ध बोली मोदी प्रतिश्रुति देथिले। एथिस मुद्रा योजना रे 20 लाख टंका रो ऋण देबा पई मध्य कथा देथिले। 10 साल में हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है।
गरीब कल्याण का एक सुरक्षित मजबूत कवच दिया है हमने उसको, और उसके अंदर भी एक नए एस्पिरेशंस पैदा हुए हैं कि हां अब मुझे गरीब नहीं रहना है, और उसके लिए मुझसे जो हो सके मैं हर अवसर का फायदा उठाऊंगा। 3 करोड़ गरीबों को घर, ये ऐसे कहने का आंकड़ा नहीं है जी, कितनी मेहनत पड़ती है मुझे मालूम है, लेकिन हम सफलतापूर्वक इसको कर पाए हैं। 4 करोड़ लोगों को दे चुके हैं, 3 करोड़ का हम संकल्प लेकर के आज से आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी संसदीय दल नेता, एनडीए संसदीय दल नेता तथा लोकसभा नेता भाव प्रस्ताव देते, 3 प्रस्ताव को समर्थन देते अमित शाह। सांसद मानक उद्बोधन शेष होगा पर मोदी बीजेपी वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी को भेटी। ब्यूरो इनपुट सह दिल्ली गगन विश्वाल रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आईफोन ओ संगसाथी आपनको पिलाटीर पाठपडा ओ करियर को प्रभावित करूछि कि आपण सेति पई विद्रुत कि तेबे आज ही आसंतु आपण चाहुतिबा मन लागि संपूर्ण आवासिक स्कूल। टीएससी गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।